हम सबके वार्डरोब में कुछ ना कुछ ऐसे पीसेज ज़रूर होते हैं जो हमारे लिए स्टेपल्स का काम करते हैं। जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम उनको निकालते हैं, पहन लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है प्लेन वाइट शर्ट, कुछ इस तरह का, जो समर्स में सबसे ज़्यादा काम आता है। आप जितनी तरह से चाहें, जितने बॉटम्स के साथ चाहें, आप इसको पेयर अप कर सकते हैं या डिफरेंट ड्रेसेस के साथ इसको पेयर अप करके एक नया लुक पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने इसी एक शर्ट के साथ बहुत सारे लुक्स कैरी किए हैं और दिखाए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अपना जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं। सो स्टार्टिंग विथ क्लासिक ब्लैक एंड वाइट लुक, यहाँ मैंने शर्ट को पहना है ब्लैक बूट कट जीन्स और ब्लैक शूज के साथ, बालों का पोनी टेल बनाया है और आई एम गुड टू गो। नेक्स्ट लुक में मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है और शर्ट को स्टाइल किया है एक हाई वेस्ट क्यूलॉट्स के साथ, जो पेस्टल कलर होने की वजह से बहुत इजी ब्रीजी सा समर वाला लुक दे रहा है। बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हैं और बालों का पोनीटेल बनाया है और थोड़ा सा इसे और कूल एलिमेंट देने के लिए मैंने बालों में टाई कर लिया है एक स्कार्फ। यहाँ मैंने शर्ट को स्टाइल किया है एक पेंसिल स्कर्ट के साथ, मैचिंग शूज पहने हैं और इयररिंग्स। ये बहुत एफर्टलेस सा फॉर्मल लुक है। आप इस तरह से रेडी होके रेगुलर ऑफिस तो जा ही सकते हैं, इसके अलावा अगर ऑफिस की कोई पार्टी है, मीटिंग है, बिजनेस ट्रिप है, हर जगह के लिए बहुत ही वेयरेबल सा लुक है। यहाँ मैंने शर्ट को पहना है फ्लेयर्ड पलाजो पैंट्स के साथ, इसमें नीचे जो प्रिंट्स बने हुए हैं वो पूरी तरह से शर्ट के साथ मैच हो रहे हैं। ये बहुत ही कूल सा लुक है, ये जो कलर एलिमेंट है वो मुझे बहुत पसंद है, खासकर समर के लिए। और इसको और भी ज़्यादा पुट टुगेदर बनाने के लिए मैंने इयररिंग्स मैचिंग पहने हैं और साथ में सिल्वर चोकर एक पहन लिया है। इसमें ब्लू कलर का थोड़ा सा आ रहा है तो अच्छा सा मैच हो रहा है पलाजो के साथ। दैट्स इट। यहाँ मैंने सेम शर्ट को स्टाइल किया है एक ऑफ शोल्डर गाउन के साथ। एक्चुअली ये इसका फैब्रिक कुछ ऐसा है कि बिल्कुल बॉडी हगिंग है, तो अदरवाइज मैं इसको पहनने में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, तो मैं इसको ऐसे शर्ट के साथ स्टाइल कर लेती हूँ, स्पेशली समर में। विंटर्स में मैं इसको जैकेट के साथ स्टाइल कर लेती हूँ। तो अगर आपके वार्डरोब में भी कोई ऐसी ड्रेस पड़ी हुई है जिसको आप सिंगल ऐसे नहीं पहन सकती हैं, कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं पहनने में, तो आप इसको ऐसे शर्ट के साथ स्टाइल कर लीजिए। ये बहुत ही कूल सा समर लुक दे रहा है इस तरह से पहना हुआ। और आप मूवी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे हो, हर जगह ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने शर्ट को प्रिंटेड पैरेलल के साथ पहना है, क्योंकि पैंट में जो प्रिंट है वो गोल्डन कलर का है, इसलिए मैंने मैचिंग इयररिंग्स और लेयर्ड चोकर पहना है। शर्ट की स्लीव्स को कुछ इस तरह से फोल्ड किया है जिससे वो फ्लैप सा ऊपर दिखे और एक डिफरेंट सा लुक दे, कैजुअल लुक दे, ना कि फॉर्मल। सो हियर आई एम गुड टू गो। ये बहुत ही एफर्टलेस सा लुक है और इतना ईजी टू वेयर है कि आप पूरा दिन इस तरह से पहन के आप रह सकते हैं।
यहाँ पे मैंने मोनोक्रोम लुक ट्राई किया है। व्हाइट शर्ट को एक व्हाइट जीन्स के साथ पहना है और साथ में सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहन लिए हैं, एक मैचिंग बेल्ट लगाया है। जीन्स की जगह अगर आपके पास व्हाइट पलाजो पैंट का ऑप्शन है तो ज़्यादा अच्छा लुक देगा। मेरे पास क्योंकि फ़िलहाल यही ऑप्शन था तो मैंने इसी के साथ ट्राई किया है, बट आप अगर वाइट लूज़ पैंट्स के साथ या पलाजो पैंट्स के साथ इसको पहनेंगी तो ये और भी कूल लुक देगा। इस तरह का लुक अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सा इजी ब्रीजी सा लुक है। और यहाँ पे अगर आप मूवी नाइट में हैं तो एक इस तरह की शर्ट अपने साथ रख सकते हैं, एक्स्ट्रा एज आपके लुक में ऐड करेगा। ये एक डेनिम शर्ट है जो थोड़ा सा वॉर्म भी है, तो अगर आपको रात में ठंड लगती है थोड़ी सी तो आप इसको पहन लीजिए, और इसको पहन के भी आप उतनी स्टाइलिश दिखेंगी और साथ ही ठंड से भी बचेंगी, क्योंकि मूवी हॉल में अक्सर हमें रात में ठंड लगने लग जाती है और फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो साथ में एक इस तरह की शर्ट हो तो बात ही क्या है। और यहाँ मैंने उसी शर्ट को एक स्कर्ट के साथ ट्राई किया है। ये रॉ सिल्क में है स्कर्ट, आप ब्रोकेड स्कर्ट भी ले सकते हैं, कोई भी कलरफुल स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। ये गोल्डन स्कर्ट है तो क्योंकि ये बहुत ब्राइट कलर नहीं है तो इसको आप कहीं भी इस तरह की स्कर्ट के साथ पहन के शर्ट को जा सकते हैं किसी भी ओकेजन पे, और अगर कोई खास ओकेजन है तो आप इसमें इस तरह से कुछ सिल्वर ज्वेलरीज पहन लीजिए। और अगर आपको थोड़ा क्लीन सा लुक चाहिए तो इस तरह से पोनी टेल बना सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसे खुले बाल अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने बहुत ही कैजुअल सा लुक कैरी किया है, ब्लू जीन्स के साथ शर्ट को पहना है और इसको फ्रंट से थोड़ा सा टक इन कर लिया है, पीछे से ऐसे ही लूज छोड़ दिया है। मैचिंग क्लचर बालों में लगा लिया है। ये बहुत ही कूल सा लुक है जो आप हर दिन कैरी कर सकते हैं। इसको थोड़ा और भी गर्लिश लुक देने के लिए मैंने एक कॉर्डन टाई कर लिया है गले में। ये मेरी एक और शर्ट व्हाइट शर्ट के साथ आया था। ये बहुत ही है तो छोटी सी चीज़, लेकिन बहुत ही अच्छा सा कूल सा लुक देता है। वीडियो में जो भी कपड़े और एक्सेसरीज मैंने पहने हैं उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मंगा भी सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।